नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन न्यूज चैनल मिशन 24x7। आइए अब शुरुआत करते हैं शाम के बुलेटिन की, और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल होने के बाद वैज्ञानिकों के साथ आम लोगों में भी खुशी की लहर। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद शाहजहांपुर में दिखाई गई सीधी तस्वीरें। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने भी इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई, बोले भारत के लिए ये गौरव का दिन। शाहजहांपुर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश, भीषण गर्मी के बाद लोगों को मिली राहत, किसानों की फसलों को भी हुआ बड़ा फायदा। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों को बनाया जा रहा मालवाहक वाहन, चालक और परिचालक की मिली भगत से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है सामान, सामान ले जाने के एवज में वसूला जाता है सुविधा शुल्क। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे शाहजहांपुर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दी वैज्ञानिकों को बधाई, बोले अब भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है पूरा विश्व। और प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। विकास भवन सभागार में हुई बैठक, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में लिया हिस्सा। तो ये तो थी आज दिन भर की हेडलाइंस, और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर नगर निगम द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों को सवारी ढोने के साथ साथ माल ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल इलेक्ट्रिक बसों के चालक और परिचालक बेरोक टोक व्यापारियों के माल को ढोने का काम करते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका भी है कि किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस का स्टाफ बोरे में बंद किसी भी चीज की कोई तलाशी नहीं लेते और बस में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतार देते हैं, जिसके एवज में सुविधा शुल्क भी वसूला जाता है। तस्वीरें शाहजहांपुर के बरेली मोड़ से जलालाबाद की ओर जाने वाली इलेक्ट्रिक बस की हैं। बीती रात निकोही में एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। यहां पंजाब के लुधियाना से नेपाल बॉर्डर यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट बस कस्बा निकोही में डिवाइडर पर चढ़ने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 22 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह पूरी घटना निकोही बिसलपुर रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे बस के ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। तेलहर के मौजमपुर गौटिया में जलभराव की समस्या के चलते लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जलभराव होने के बाद उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में जलभराव हो जाता है, जिसके चलते उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी चंद्रयान की सफलता की तरफ देख रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत आज इतिहास लिखने जा रहा है और आज का दिन पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी आशा भरी निगाहों से चंद्रयान को देख रही है। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शाहजहांपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। कोसी उपचुनाव पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा वहां पर बड़ी जीत हासिल करेगी और विपक्ष के लोग हताश होकर हमारे प्रत्याशी पर स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन सभागार में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की।
बारिश के दिनों में करंट लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां कई जगह पर खंभों में लगे सपोर्ट वायर में करंट उतरने से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कई लोग करंट की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि बारिश के दिनों में लोहे के खंभे और खंभों से लगे सपोर्ट वायर से दूर रहें। आपको बता दें कि कल भी तिलहर के मौजमपुर में खंभे में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई थी। जलालाबाद के गुनारा गांव में 2 साल पहले हुई आगजनी के पीड़ित अभी भी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। गुनारा गांव के रहने वाले लाल खान ने बताया कि मार्च 2021 में उनके और उनके भाई आबिद के मकान में आग लग गई थी। आग लगने से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मुआयना करते हुए मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और वो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दरअसल सायापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद पारे में गिरावट आई है। इससे पहले लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब बारिश होने के बाद पारे में गिरावट आई है। बारिश से किसानों की फसलों को भी काफी फायदा मिला है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो जाए इसके लिए प्रार्थना की। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंजूरी ने संबोधित करते हुए कहा कि शाम करीब 6 बजे इसरो द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। तिलहर में नेशनल हाईवे 24 पर बड़ा हादसा टल गया। यहां बारिश होने के बाद ओवरब्रिज के अप्रोच मार्ग का एक हिस्सा नीचे धस गया। हालांकि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, तो वहीं रोड नीचे धसने के बाद वाहनों को सर्विस लेन से गुजारा गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तिलहर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 के सरयू ओवरब्रिज का है। सायापुर में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में 5 सितंबर को सुबह 9:30 बजे किया जाएगा। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक छात्र प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जलालाबाद से विधायक रहे नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीरज मौर्य को प्रदेश सचिव नामित किया है। नीरज मौर्य के प्रदेश सचिव बनने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। तिलहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दिखाई गई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ के साथ साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मैं इस खास दिन के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने रोजगार सेवकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन विकास खंड मुख्यालय पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन संगठन के जिला अध्यक्ष पिंटू यादव के नेतृत्व में सौंपा गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सेवकों की प्रथम मांग है कि हिमाचल और राजस्थान सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय दिया जाए। ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में ग्राम रोजगार सेवकों को 50% आरक्षण दिया जाए, साथ ही रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिए जाने की मांग की है। जिला स्काउट गाइड कैंपस रोटी गोदाम में भी आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का कार्यक्रम दिखाया गया। यहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशों पर खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वय और स्काउट गाइड के साथ साथ बच्चों ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लाइव देखा।
कांट के राजकीय इंटर कॉलेज में भी आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। विद्यालय प्रधानाचार्य दीपक कुमार दीक्षित ने कहा कि ये भारत के लिए गौरव का दिन है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों के साथ देख रहा है।